अंकल आंटी, आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस आपके स्पेशल डे पे. लेकिन आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि काश एक न्यूज आइटम के बेस पर मेरा कैरेक्टर परखने के बजाय आपने मेरे टैलेंट को परखा होता. सॉरी, आप जा सकती हैं. Soumya, Soumya, stop it! You're hurting me. अरे वाह, अरे तुम्हें जरा सा क्या पकड़ लिया प्रिशा, तुम्हें इतना दर्द हुआ? तुमने कभी सोचा है जो तुम दूसरों के साथ करती हो उसे सामने वाले को कितना दर्द पहुंचता है? Of course, तुम कैसे समझोगी? उसके लिए तो इंसान के पास दिल होना चाहिए, जो unfortunately तुम्हारे पास है ही नहीं. हर बार प्रिशा, हर बार मैं सोचती हूँ कि बस इनफ, इससे ज्यादा नहीं गिर सकती तुम. लेकिन हर बार उससे ज्यादा गिर कर तुम मुझे रॉन्ग प्रूफ करती हो. क्यों करती हो तुम ये सब? और अगर मुझ पर भरोसा ना हो ना, तो हिम्मत करके अपने आप को एक बार शीशे में देखना और समझना कि कितना गिर गई हो तुम. गिरी प्रिशा नहीं है मेरी लाइफ में आके, गिरी तो तुम हो. Look at you, Soumya. Mrs. Soumya Armaan Ubroy से एक छोटा सा इवेंट होस्ट करने वाली बन गई. एक बड़े बंगलों से निकलकर अपने स्टोर रूम जैसे घर के डिपॉजिट को जमा करने के लिए सड़क पर आ गई. Look, अभी भी टाइम है. Say sorry. रियलिटी को फेस करो. कम बैक होम. हमारे बच्चों को संभालो. लिव हैप्पीली एंड लेट लिव हैप्पी. समझ में नहीं आ रहा मिस्टर ओब्रॉय, मैं आप पर हंसू या रो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि आपने क्या पाने के लिए क्या क्या खो दिया. पता तो तुम्हें नहीं है सौम्या कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ. दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो बड़ा दिल करो और घर आ जाओ, या फिर अपनी छोटी सी सोच के साथ अपने स्मॉल टाउन इंदौर वापस चले जाओ. क्या क्या खोगी, क्या क्या हारोगी, ये तुम सोच भी नहीं सकती. ऐसा गिरोगी कि जिनके पैर जमीन पर होते हैं उन्हें गिरने का कोई डर नहीं होता मिस्टर ओब्रॉय. और आप ही ने कहा ना कि मेरे पास तो हारने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर मुझे किस बात का डर? डर तो आपको लगना चाहिए. आपके पास तो हारने के लिए आपका सब कुछ है, पावर, पैसा, फेम, एक सेल्फिश लवर भी. इसलिए डरना तो आपको चाहिए. एंड डोंट यू वरी, मैं मुंबई में ही रहूंगी, यहां पर काम करूंगी, अपना नाम बनाऊंगी और अपने बच्चे आपसे वापस लेकर रहूंगी. अच्छा, लेकिन पहले अपना घर तो बचा लो. नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर तुमने अपने घर का डिपॉजिट नहीं भरा तो तुम, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह रोड पर आ जाएंगे. दिस विल हैपन, ये मेरा वादा है तुमसे. Well done, प्रिशा, तुमने सौम्या को देख के मुझे इन्फॉर्म कर दिया
इसे तो मिले नहीं, क्या होगा? सौम्या, सौम्या, आई एम सॉरी, क्लाइंट ने आपको कंपेयर नहीं करने दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, बट राइटिंग की नहीं है, काम थोड़ा मुश्किल है बट पैसा अच्छा मिलेगा। मैं कर लूंगी, आप बस मुझे बताइए ना क्या काम है। अभी रिसेंटली ना एक फिल्म सिटी में मूवी शूट हो रही है साउथ की, और आज ना एक बहुत बड़ा एक्शन स्टंट शूट होने वाला है। अपना सेट लगा हुआ है लेकिन ना हीरोइन की बॉडी डबल मिल नहीं रही, बट आई थिंक आपकी हाइट है ना जो वो उनसे मिलती है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं बात कर सकता हूँ। मैं कर लूंगी, आप बस मुझे बताइए कब कहाँ आना है और मुझे कितने पैसे मिलेंगे। 60,000 है, बट इतना पैसा इसलिए है क्योंकि काम थोड़ा सा रिस्की है, शूटिंग में सारी सेफ्टी ली जाती है, बट यू नो आई'ल डू इट, मैं कर लूंगी। वो लड़की भी तो रिस्क लेती ना, वो भी ये काम करती, तो मैं भी कर सकती हूँ। मुझसे बहुत कुछ छीना क्या है, लेकिन अपने घर की छत नहीं छीनने चाहिए। मैं करूंगी। जी पापा। हाँ बेटा, कहाँ है तू? अच्छा सुन, मैंने ना कुछ 20,000 रुपए का प्रबंध कर लिया है, मकान मालिक को बोल देंगे कि अभी इतना रख लो, बाकी कल परसों में दे देंगे। नहीं पापा, कल परसों नहीं, सारे पैसे हम आज ही उन्हें देंगे पापा, क्योंकि मुझे काम मिल गया है और उसके लिए मुझे 60,000 रुपीज मिल रहे हैं और 20-25,000 तो अकाउंट में है मेरे, तो इंतजाम हो जाएगा सारे पैसों का, हम आज ही देंगे। हाँ अब ठीक है बेटा, और तू अपना ध्यान रखना है, ज्यादा परेशान मत होना, हम सब साथ है ना, तो सब ठीक हो ही जाएगा। जी आप अपना ध्यान रखिए। हाँ अच्छा बेटा, अच्छा। भैया जी रुको 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 रुको, सुमेया जी चलिए, सुमेया जी यही है हमारा सेट, आइए मैं आपको मिलवाता हूं सबसे। ये रियल एक्शन सीक्वेंस है, आपको इस पर चलना है। वैसे हमने सारे सेफ्टी के प्रिकॉशंस ले लिए हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है और डरना भी नहीं है। अगर आप रुक गए तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये शॉट रिटेक नहीं हो सकता है, पूरा शॉट वन टेक में देना है आपको। ना मैं रुकूंगी और ना मैं डरूंगी, मैं कर लूंगी सब। बेस्ट ऑफ लक सौम्या। थैंक यू। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। अरे ये तो अरमान ओबरॉय की वाइफ लग रही है। लग नहीं रही है, मैं जानता हूँ इनको, पहले मैं ओबरॉय फिल्म्स में ही काम करता था। हाँ देख, इतनी क्या हो गई है फैमिली में, ये सब काम करना पड़ रहा है इसको। ये सौम्या मैम ऐसा क्यों कर रही है, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है यार वो। सिमी क्या कर रही है यार, कुछ कर, सर की वजह से उन्हें कोई काम भी नहीं दे रहा इंडस्ट्री में, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या मैम? हाँ सुषमा मैम। हेलो, हाँ सिमी, वो हीरोइन के ब्लाउजेस ना रेडी हो गए हैं, प्लीज कलेक्ट करवा लो किसी से, ठीक है? मैम एक्चुअली मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलो। मैम वो एक प्रॉब्लम है मैम, सौम्या मैम ना बहुत बड़ा रिस्क ले रही है मैम। What? एक शूट पे एक्शन स्टंट कर रही है, हीरोइन का बॉडी डबल कर रही है मैम, और वो बहुत डेंजरस हो सकता है। कुछ समझ नहीं आ रहा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मैम, प्लीज कुछ करिए, उन्हें रोकिए ना। सौम्या बच्चों के लिए
रही है, इतना रिस्क, तो मुझे रोकना होगा। आपने अभी तक डायपर्स चेंज नहीं किए, प्लीज चेंज करिए, मैं अभी आती हूँ। कॉस्ट्यूम सब हो गया ना? आपको जेल कहा था, जेल ले आया? ठीक है, ये शॉर्ट से पहले जेल मैडम के पैर में लगा देना। मैडम बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमने सारे प्रिकॉशंस ले लिए हैं, आप ये शॉट सिर्फ वन टेक में दे दीजिए। क्या है ना मैडम, हम उसको VFX में कर सकते थे, लेकिन वो लाइव वाला फील उसमें मिलेगा नहीं हमको, समझ रहे ना आप? जी सर, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है शॉट को लेके, आप सर आप ऐसे ही कीजिए, आप मुझे बस बताते जाइएगा, मैं बिल्कुल वैसे परफॉर्म कर लूंगी। वेरी गुड, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आता हूँ, ठीक है? मिसेज ओब्रो यहाँ बॉडी डबल कर रही है, वो स्टंट बहुत रिस्की है। व्हाट द हेल, देखो पैसों के लिए सौम्या क्या करने जा रही है। एक्शन स्टंट अरमान, ये एक्शन स्टंट नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट है। वो जानती है कि ये करने से उसे मीडिया का अटेंशन मिलेगा। आई नो प्रिशा, एक काम करो, तुम आगे से कैब लेकर घर चली जाना, मैं वहां जाता हूँ जहां सौम्या ये स्टंट करने वाली है। या ओके। आप 2 मिनट आ जाइए, मैं आपको मार्क दिखा देता हूँ, आपको पूरा सीन समझा देता हूँ क्या सीन है। आइए मैडम। मम्मी जी आप यहाँ? आना पड़ा सौम्या, सुषमा जानती है कि तुम्हें घर के डिपॉजिट के लिए मनी चाहिए, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा खतरा नहीं लेना चाहिए। क्या हो गया है तुम्हें? मनी चाहिए ना, ये लो। लो ना मनी, ये अरमान का मनी नहीं है, सुषमा का है, ये बन्नो क्रिएशंस का मनी है, वो बन्नो क्रिएशंस जो तुम्हारी वजह से बनी है। लो सौम्या, प्लीज लो, तुम्हें अपने बेबीज की। मम्मी जी ठीक है, आपको मुझे पैसे देने हैं, दीजिए। आप चाहती है मैं स्टंट नहीं करूं? ठीक है, मैं नहीं करूंगी, बस एक सवाल है आपसे, क्या इसमें अरमान की जीत नहीं होगी? क्योंकि अरमान तो औरत को मानते ही कमजोर है। वो तो मानते ही है कि औरत कभी भी खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती, उसे हमेशा अपनी लाइफ में एक पति या किसी की जरूरत है जिस पर वो डिपेंडेंट हो सके। तभी तो वो मुझे लेकर भी इतने श्योर हैं कि एक दिन मैं हार कर उनके घर वापस आ जाऊंगी, उनके साथ रहूंगी, जैसे वो कहेंगे वैसा करूंगी, कोई सवाल नहीं करूंगी उनसे। क्या आप मुझे हारते हुए देखना चाहती हैं? नहीं ना मम्मी जी, बात पैसों की नहीं है, बात एक औरत की अपने दम पर कुछ करने की है, एक गलत सोच को सही जवाब देने की है, और मैं देना चाहती हूँ जवाब। और अगर अब भी अगर आपको लगता है कि मुझे ये स्टंट नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं करूंगी। आप मुझे पैसे देना चाहती है, मैं ले लूंगी, दीजिए पैसे। मनी नहीं, सुषमा आशीर्वाद देती है, अपनी सारी ब्लेसिंग्स देती है कि तुमने जिस मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं, तुम उसे जीतो, जीत के आओ, अपना मुकाम बनाओ। और एक बात और, तुम्हारे जो बेबीज हैं ना, वो बहुत लकी हैं कि उनको तुम्हारी जैसी मदर मिली। देखना एक दिन वो बहुत प्राउड फील करेंगे तुम्हें लेकर।
और सुषमा की तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक। पर अपना ध्यान रखना सौम्या। मैडम आप शॉट के लिए रेडी हो जाइए। मैडम आप प्लीज वहां से हट जाइए। ओके ख्याल रखना। सौम्या ओबराय का एक्शन स्टंट करना ये तो मसाला न्यूज है। ये अरमान ओबराय की वाइफ का बॉडी डबल करना छोटी बात थोड़ी है। खूब मजे से देखेंगे तमाशा। Damn it. Media is here. अब इनके सामने सौम्या एक बेचारी वाइफ बनने का नाटक करेगी। हीरोइन बन जाएगी वो और मैं उसकी लाइफ का विलन। I can't let सौम्या get all the media attention. मैडम दो मिनट रुकिए आप जेल मत लगाइए कुछ टेक्निकल इश्यू है। आप दो मिनट रुकिए अभी। अरे वो रही। चलो, 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 चलो। आप तो मिसेस अरमान ओबरॉय हैं। फिर आप एक्शन स्टंट में बॉडी डबल का काम क्यों कर रही हैं? क्या आपने ये सब करने के लिए अपने न्यू बॉर्न बेबी को छोड़ दिया? चलिए आप चलिए चलिए बाहर निकलिए। एक मिनट। इन्हें अपने बच्चों को नहीं छोड़ा है। ये जो भी कर रही हो अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। अपने आप को साबित करने के लिए कर रही हूँ। इन्हें अरमान को क्यों छोड़ा? मेरी क्या मजबूरी थी? मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी लेकिन यहाँ नहीं कोर्ट में। पर हाँ अभी जो मैं ये करने जा रही हूँ उसके बाद आपको मेरी खामोशी मेरे शब्दों से ज्यादा सच बताएगी। वो सच जो बड़े बड़े झूठ के शोर के आगे दबेंगे नहीं। इसलिए प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। थैंक यू। आप रेडी है ना? जी सर। ठीक है भगवान मेरी सौम्या की रक्षा करना। उसे हिम्मत देना भगवान। प्लीज गॉड प्लीज प्लीज गॉड। स्कूल का डायरेक्टर यह आप ऐसा स्टंट स्टंट वुमन के बिना कैसे कर सकते हैं? मेरी वाइफ से ये स्टंट कैसे करवा सकते हैं आप? यू वेट एंड वॉच। प्रोड्यूसर एसोसिएशन में बात करके आपके कार्ड कैंसिल करवा दूंगा मैं। यू सौम्या व्हाट द हेल आर यू डूइंग? तो तुम्हें कुछ हो जाता हमारे बच्चों का क्या होता तुमने सोचा नहीं? मिसेस ओबरॉय के इतने डेंजर स्टंट करने पे आपका क्या कहना है? मिस्टर ओबरॉय इतने पैसे वाली फैमिली है आपकी, फिर क्यों पैसों के लिए सौम्या जी से काम करवा रहे हो? पैसों के लिए नहीं, आई गेस मीडिया अटेंशन के लिए। और वो अटेंशन आप लोग दे रहे हैं इसे। क्या मैंने बार बार नहीं कहा कि घर वापस आ जाओ? Come home for the babies. What can I say? I'm just hurt, sad, and concerned about my babies. That's all. Mose chhal kiye jaaye, Mose chhal kiye jaaye, Mose chhal kiye jaaye, Mose chhal kiye jaaye. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.